público. Inshallah. Usme airplane se board hone wala. 7 baje flight chalegi airport pe hu. To inshallah taala 12 ghante ki flight hai yahan se. Aur China pahunchegi Beijing. 15 ghante ka way transit hai fir wahan se. Inshallah kal रात को आपके बुध के आज आपकी मंगल शुरू हो बुध को रात को इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ में याद रखें कि सफ़र अच्छा गुजरे बस अब मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ ताकि फ्लाइट बोर्ड हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर अपडेट करता रहूँगा ठीक है अल्लाह ओके अभी चाय शाय पी है लेटा हूँ आराम कर रहा हूँ नमाज़ पढ़ूँगा फजर की 5:30 बज रहे हैं 5:45 और फिर उसके बाद मुझे रूम मिलेगा 9 बजे फिर मैं शावर वगैरह लूँगा अस्सलाम वालेकुम ये है लाउंज एयर चाइना का ट्रैवल लाउंज सारी फ्लाइट इंफॉर्मेशन है और ये रिसेप्शन है सारा ये बहुत है इस वक्त 2 बज रहे हैं यहाँ पढ़ भी नहीं सकते ये इनका पेड रेस्टोरेंट है आप खा सकते हैं लेकिन पैसे देके छोटा सा बुफे और ये अंदर इनका रूम है जहाँ मैं रुका हुआ था और ये इसका एक्सटेंडेड लाउंज है जो कि पैसेंजर के बैठने के लिए है यहाँ पे छोटे छोटे रूम बने हुए हैं मसाज वसाज करते हैं ये और ये चीज़ें सामने लगी हुई हैं फ्री खाने पीने की ड्रिंक्स और ये सब चाय कॉफी वगैरह लगी हुई है और ये यहाँ बैठने के सोफे वगैरह है अगर रूम ना मिले तो यहाँ आराम से बैठ सकते हैं ये बहुत सामान पड़ा है जाने के लिए ये यहाँ का चीनी सामान चुटपुट फ्री है सो ये इनका मेन रिसेप्शन एरिया है होटल का यहाँ कोई भी नहीं होता लेकिन यहाँ से अंदर आते हैं और ये गेट है गेट्स हैं सारे सो ये हमारा गेट भी यही है यहीं पे तो ये सब ये सारे गेट्स हैं जहाज़ खड़े हुए हैं यहाँ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं लाउंज है मेरा गेट 59 है सो ये ऊपर होगा आगे जाके सो यहीं करीब ही है मैंने कहा खुली हवा में आऊँ और यहाँ बैठूँ आके वहाँ तो बोर हो गया सो या ये है रिसेप्शन ये इनके रेट्स लिखे हुए रूम के किसी को लेना हो सो हेलो फोन लगे हुए कॉफी शॉप है सामने बहुत बड़ा लाउंज है जहाँ तक देखो ए वो से शुरू होके ए वो तक है ये स्टारबक्स कॉफ़ी यहीं है लेकिन आई हैव अ फ्री कॉफ़ी एंड एवरीथिंग सो आई एम गुड चाइनीज़ स्टारबक्स कैसी होगी आप लोग जानते ही हैं तो इसलिए बेहतर है वो अच्छी एक्सप्रेसो कॉफ़ी थी वहाँ पे जो कि सब मैंने पी अब मेरे गेट 59 इस तरफ हैं तो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ ये सब सीटें ही सीटें हैं वैसे जिसके पास कुछ भी नहीं है यहाँ सोए बैठे
कंफर्टेबल सीट्स यहाँ पे एयर चाइना, यही मेरा जहाज़ है, मेरा टर्मिनल, मेरा गेट 59 है, तो मैं यहाँ से पूरा घूम के जाऊँगा और ये इधर आएगा, ये इसी जहाज़ में एयर चाइना में। यहाँ पे खड़ा हुआ ये जहाज, सो यहाँ ट्रेन भी चलती है भाई अंदर। इतना बड़ा टर्मिनल है बीजिंग का, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है ये इस वक्त। ये लोग जा रहे हैं, कुछ पैदल नहीं चल सकता तो इसको इसमें जाते हैं वॉक करके, मैं भी इसी में चल जाता हूँ। पैदल कौन चले, इसी में बैठ जाओ, ये खुद ही लेके जा रही है। ये पैदल चलने का फ़ायदा क्या जब वो है इस मशीन। ये सामने जहाज है इंशाल्लाह अपना, और ये पीछे का मंजर, ये मेरा गेट 59 इधर होगा, 57 से 62 ये गेट्स हैं। मैं जा रहा हूँ इधर, बड़ा चलना बहुत है। ये ट्रेन देखो, ट्रेन आ रही है यहाँ से, ये यहाँ से ट्रेन लेके जाती है शहर तक, ट्रेन है ये, नीचे गाड़ियाँ चल रही हैं, शहर से ट्रेन चलती है सीधी एयरपोर्ट आती है। बीजिंग ओलंपिक के लिए बनाया था 2008 में, और उसका फ़ायदा अब तक हो रहा है लोगों को, लेकिन अभी इतना रश नहीं, पैसेंजर ही नहीं है इसमें। ये रेस्टोरेंट है इधर, महंगे खाने के। चलिए ना, 59 इधर और पहले हम ट्रेन स्टेशन के, ट्रेन के उस तरफ थे, अब हम इस तरफ आ गए। स्टिल ट्रेन यहाँ से पूरी जाती है, मैं उस तरफ था, अब मैं इस तरफ आ गया हूँ। ये मेरा गेट 59 है, इस तरफ को कह रहा है वो, और वो जहाज़ इस तरफ को आएगा। टॉयलेट्स हैं, पानी, सब चीज़ें, गेट 59 नीचे। अच्छा जनाब, खाली करा नीचे जाना है, गेट 59 नीचे, स्टाफ जा रहा है। ये जूस की और ड्रिंक्स की मशीन, ये चाइना स्टाफ, बस अब ये मैं करीब आके इधर बैठ गया हूँ लाउंज में, जहाज़ ये खड़ा हुआ है और ये लोग सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। काफ़ी आपको गाड़ी वाले भी लोग दिखेंगे, यहाँ चाइना में काफ़ी लोग काम करते हैं और इस वजह से। सो नाउ वी बोर्डिंग एंड वी आर गोइंग टू द प्लेन, प्लेन में हम जा रहे हैं। आप देख लें, पाकिस्तान की फ्लाइट है और माशाल्लाह हम सब बस में जा रहे हैं, सारे बस में खड़े हुए तमाम अफराद बशमूल मेरे। उन्होंने कहा भाई पाकिस्तानी है तो आपको बस में ले जाते हैं चाइना से। ये हम अभी जहाज की तरफ जा रहे हैं, टर्मिनल से निकल के बस पे, ये सब कौन से जहाज पे जाएंगे नहीं पता है, काफ़ी सारे खड़े हैं, बस वाले भाई को भी नहीं पता कि हमको कौन से जहाज पे उसने छोड़ना है। भाईजान इस्लामाबाद और कराची वाले पे छोड़ना, वापस वैंकूवर और ऑकलैंड नहीं जाना।
देखो जी पैदल जा रहे हैं जहाज में, पाकिस्तान का जहाज है। दुआ में सब याद रखें इंशाल्लाह। पाकिस्तान जा रहा है जहाज। जहाज पाकिस्तान के लिए जहाज माशाल्लाह अच्छा है। China. तीन घंटे लग गए मुझे निकलने में। एयरपोर्ट से मैं होटल जा रहा हूँ। 12:26 हो गए, 9 बजे का उतरा हूँ। Beijing, China. Beijing, China. मेरा स्टे है इधर एक दिन का। सर आया हुआ कुछ खाने पीने के लिए ढूंढ रहा हूँ, और कुछ मिल जाए तो यहाँ से 2-3 जगह तलाश करूँगा, अभी मिल जाएगा तो। ये बड़ा यहाँ का आई थिंक सिटी सेंटर है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, जिंग में। सो यार हियर इज माय फ्राइड राइस।
पटना एयरपोर्ट। ऑल फिनिश, चेक्ड इन, फिनिश, नाउ लुकिंग फॉर माय गेट। पानी, जूस, I'm looking for my gate. It's E51. So just somewhere at the front. Jahaz Khada Emirates. And I'm looking for a coffee also. Ye sale garam pani pite. चीने ना चीनी ना गरम पानी की मशीनें लगी हुई हैं, बोतलें हाथ में भर रहे हैं गधे साले। वह भाई चाय कॉफ़ी को पियो, ना होटल में ना कहीं, शौक ही नहीं है चाय कॉफ़ी पीने का इन लोगों को। देयर यू गो, स्टारबक्स कॉफ़ी मिल गया मुझे जी। मैं कॉफ़ी लेता हूँ, यहाँ से बैठ के कॉफ़ी पीता हूँ। जहाज समवेयर इज माय गेट अलॉन्ग समवेयर 62, सो 51 है समवेयर हेयर। यहाँ जाना है मुझे, ये स्टारबक्स कॉफ़ी बेच रहे हैं। और बैठे हुए हैं, गर्मी हो रही है, कॉफी ले लेता हूँ, देखता हूँ क्या क्या है, कोई खाने की चीज़ अगर मैं ले लूँ। थक गया हूँ चल चल के, सो ये मैं बेल्ट पे चल रहा हूँ अभी। वहाँ से बेल्ट चलती हुई आ रही है पीछे से, और मैं अब इस पर चल रहा हूँ। थक गया है चलते, इतना बड़ा एयरपोर्ट से। कॉफ़ी मैंने ले ली है स्टारबक्स और मफिन। साला कॉफ़ी महंगी, पीते ही नहीं। ग्यारह बज रहे हैं, एक घंटे में बोर्डिंग होगी मेरी, और इंशाल्लाह फिर एक घंटे में जहाज उड़ेगा अल्लाह ने चाहा। ये आ गया मेरा गेट E51। ये इलाका है बैठने का, बस से उतर गए हम लोग, बस से उतर गए, जहाज में बैठ रहे हैं।